शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। क्यों धोखा दिया तुमने हमें? क्यों? देवधर जी, वो हम तुम चुप हो जाओ। एक तो हमने तुम्हें रहने के लिए घर दिया और तुमने हमारे ही घर में ये पाप कर दिया। और तुम सुरेखा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये घिनौनी हरकत करते हुए? बदतमीज, क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? बोलो बोलो सुरेखा। आपको दुख हुआ, इस बात की माफी चाहते हैं, पर तो जब से जानवी आई थी घर पे, हमें ये एहसास हुआ कि हमारी दिलचस्पी मर्दों में नहीं, औरतों में है। और जानवी ने जैसा प्यार हमें दिया, वैसे ही प्यार की तलाश हमें हमेशा से थी। चुप रहो तुम, पागल हो गई हो तुम। इस लड़की ने तुम्हें पागल बना दिया है, इसलिए ऐसी घटिया बातें कर रही हो। प्यार सिर्फ औरत और मर्द के बीच में होता है। औरत औरत के रिश्ते को ना प्यार नहीं कहते, अय्याशी कहते हैं, समझी तुम? और हम अपने घर पर ये अय्याशी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देवधर जी, हमने सच्चा प्यार किया, कोई अय्याशी नहीं की, और हमने हमारा रिश्ता बहुत ही सोच समझकर बनाया। ए लड़की, निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। एक तो तुमने हमारे पत्नी को इस घिनौने काम के लिए बहकाया, ऊपर से हमें सफाई दे रही हो। हम ऐसा नाजायज रिश्ता अपने घर पर पलने नहीं देंगे। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। बचाओ जानवी। जानवी और मेरे बीच में जो भी रिश्ता था, हम दोनों की मंजूरी से था, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। जानवी, तू खड़े खड़े अभी भी मुंह देख रही है, तू चल। जानवी, जानवी हमें छोड़ के मर जाओ। चल जाओ मेरे घर से, ले लो अपना सामान, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, निकलो। आई थी घर पे, हमें ये एहसास हुआ कि हमारी दिलचस्पी मर्दों में नहीं, औरतों में है। जानवी ने जैसा प्यार हमें दिया, ऐसे ही प्यार की तलाश हमें हमेशा से थी। हमें ये एहसास हुआ कि हमारी दिलचस्पी मर्दों में नहीं, औरतों में है। हमें ये एहसास मर्दों में नहीं।
जानवी, जानवी, सुरेखा। अच्छा वो जानवी तुम आ गई। तुम्हारे बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती। अब मुझे छोड़ के मत जा। सुरेखा मुझे भी तुम्हारी आदत सी हो गई है। देवधर के मना करने के बाद भी मैं तुमसे दूर नहीं हो पा रही। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। बहुत प्यार करते हैं ना एक दूसरे को, एक दूसरे के बिना आप नहीं रह पाएंगे। वादा करो मुझे छोड़ के अब कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं। देवधर भारी है, चिंता मत करो, वो वैसे भी पी के लुढ़क चुका है। साथी इंस्पेक्टर साहब, 2 दिन हो गए, देवधर जी का कुछ पता नहीं चला। हम उनका पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है अभी तक। हमने आपको कितनी बार कहा है कि मेरे पति के बड़े भाई कुछ के पास जाइए, उसने कुछ किया होगा। उसने कई बार मेरे पति को धमकी दी थी। अरे एक बार तो बंदूक लेके घर पे आ गया था। और इंस्पेक्टर साहब होली वाले दिन मेरे पति और देखता हूँ कि वो क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। रुक जाइए, ऐसी हालत में मत जाइए प्लीज। छुओ मत मुझे, तुम अपने इन घिनौने हाथों से ना मुझे छूने की जरूरत नहीं है। तो उस कुंज भैया का हिसाब कर दूं, फिर वापस आके तुमसे निपटूंगा। आप कुंज के पास जाइए, वहां से पता चल जाएगा कि मेरे पति कहाँ हैं। खुद को संभालिए सुरेखा जी, हमने कुंज को हिरासत में लेके पूछताछ शुरू कर ली है और मुझे पूरा यकीन है कि हमें जरूर कुछ पता चलेगा। खैर फिलहाल मैं चलता हूँ, और कुछ भी पता लगेगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। सुरेखा, सुरेखा जल्दी करो, फ्लाइट छूट जाएगी हमारी। चलो चलो चलो, सब ले लिया ना। इंस्पेक्टर साहब आप इस वक्त यहाँ? मेरे पति का कुछ पता चला? सुरेखा जी हमें तुम्हारे पति की लाश मिली है, किसी ने उनका मर्डर करके उनकी बॉडी को नाले में फेंक दिया। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब आपको याद है मैंने कहा था कि मेरे पति के बड़े भाई कुंज, उनका झगड़ा हुआ था उनके साथ और उन्होंने उसको धमकी भी दी थी। मैंने कहा था ना आपको। शक के आधार पर मैंने कुंज को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसके बाद मुझे जो पता चला तो तुम्हारी ये सारी चालाकी मुझे समझ में आ गई। सर इनके पति का मर्डर हुआ है और आप ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं? बेकार की बातें तो आप दोनों कर रही हैं। हमें सब पता चल गया है। सुरेखा जी और उनके किराएदार यानी कि आप दोनों में संबंध है, और ये बात जब देवधर को पता चली और उसने विरोध किया तो आप लोगों ने उसकी हत्या कर दी। घर के बाहर की CCTV की फुटेज में सब कुछ दिख रहा है। उस दिन जब देवधर गायब हुआ उस रात तुम दोनों एक बड़ी सी बोरी में यहां से कुछ तो बाहर लेकर जा रही थी, और हमारे पास एक गवाह भी है जिसने तुम्हें उसी नाले के पास देखा होली की रात जहां पर देवधर की बॉडी मिली है। इंस्पेक्टर साहब नहीं, हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है कोई। ओ, मेरे पति के बड़े भाई कुंज। हाँ
उन्होंने हमें फंसाने की कोशिश की होगी ताकि पूरी जमीन जायदाद उसके अकेले के नाम हो जाए। सच कह रही हूं मैं। अच्छा तो फिर ये सब क्या है? ये वीडियो हमें कुंज से मिला है और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। जब एक दिन वो यहाँ पे देवदर से मिलने आया था तो आप लोग यहाँ पर संबंध बना रही और तभी उसने ये वीडियो बना ली। अब अच्छा यही होगा कि आप दोनों अपना जुर्म कबूल कर लें, क्योंकि अपने पति की हत्या, क्योंकि वो हम दोनों को अलग करना चाहते थे, हम दोनों को दूर करना चाहते थे। हम और जानवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर देवदर को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। वो हम दोनों को अलग करना चाहते थे, हम दोनों के बीच में आ रहे थे, यहाँ तक कि दारू पी के मेरे साथ मारपीट करना भी शुरू कर दिया, जानवरों जैसा सलूक करने लगे। और उस दिन होली वाले दिन जब वो अपने भाई को मिलने जाने लगे तो उनके बड़े भाई कुंज ने उनके फोन पे यही वीडियो उनको दे दी ताकि वो मेरे पति को ब्लैकमेल कर सके। वीडियो देख लिया छोटे? अब मेरी बात को ध्यान से सुन। अब जमीन के 60 लाख नहीं, पूरे पैसे लूंगा। अगर 2 दिन के अंदर तूने पूरे पैसे जमीन बेच करके नहीं दिए तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, फिर तुझे अच्छी तरह से पता है कि तेरा क्या होगा, समझा? जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, तुमने मेरे पूरे समाज में बेइज्जती करा दी है। तुम यहाँ खुद आ गई, आज पहले तुझे मारूंगा फिर। ये तो मर गया। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब हम दोनों के बीच की दीवार हमेशा के लिए खत्म है ना जानवी? हाँ?